हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूंगी कि बीच में काफ़ी दिनों तक मेरी क्लासेस ऑफ रही, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम लोग रेगुलर अपनी क्लास लेंगे। और उससे पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम आपका हिंदी सब्जेक्ट या हिंदी विषय को मैं आपको पढ़ाती हूँ, और हिंदी विषय में हम एक यूनिट पूरी कर चुके हैं। जितने भी एक यूनिट के अंदर टॉपिक्स थे, और सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि फर्स्ट यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस की। किस अगर हम देखें कि आपकी DLED थर्ड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग भी और आपकी UPTET CTET में भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में सीखा है। दोस्तों, बहुत सारी ट्रिक से, बहुत सारी रचनाएं याद करी हमने ट्रिक की हेल्प से, और साथ ही साथ उनका जीवन परिचय लिया प्रमुख कवि और लेखकों का। अब हम क्या करेंगे, हमारा जैसा कि हमने शुरुआत में प्लानिंग की थी कि हर चैप्टर को ख़त्म होने के बाद, हर यूनिट को ख़त्म होने के बाद, हम उस यूनिट से बनने वाले क्वेश्चंस को लगाएंगे, ताकि हमें पता चल पाए कि आखिर जो हमने पढ़ा वो किस हद तक हमें याद है, और यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और ये इस जिस भी चैप्टर से प्रीवियस ईयर पेपर में जितने क्वेश्चंस आए हुए होंगे उनको हम चैप्टर कंप्लीट करने के बाद साथ के साथ सोल्व करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, ठीक है, याद करते हुए चलेंगे, ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम टाइम पर प्रेशर फील ना हो और सभी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग अपने दोस्तों को, मित्रों को या ग्रुप्स में सभी जगह शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और अपनी क्लास का फ़ायदा ले सके। चलिए दोस्तों, अपन लोग आज करेंगे सबसे महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इस चैप्टर से आपके जितने भी बनेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भाई बताइए, कबीर दास जी की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी थी। आपको मैंने याद कराई थी साखी सबद रेमनी, कुछ याद आया आप सभी लोगों को। जिस जिस बच्चे ने क्लास ली है वो बहुत जल्दी से कमेंट बॉक्स में साथ के साथ आंसर करता हुआ चलेगा। और दोस्तों, एक और प्लस पॉइंट है आपके लिए, यदि आप ये क्वेश्चन वाली क्लास लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको आखिर कैसे अपना पेपर लिखना होता है, यानी कॉपी में आपको आंसर कैसे करना है, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आपको इसी तरह से अपनी कॉपी में लिखना होगा, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल पाए। उस चीज़ के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर पैटर्न फॉलो किया गया है, जिस तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना है उसी तरह से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है कि कबीर दास की कृतियाँ बताइए कौन कौन सी होती है। तो देखिए क्या लिखेंगे, कबीर दास की कृतियाँ कबीर की वाणी का संग्रह है, बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। यानी जो कबीर दास की कृतियाँ है, ठीक है, उनकी वाणी का संग्रह, यानी जो उन्होंने अपनी कृतियाँ दी उनको क्या बोलेंगे, उन्होंने लिखी थोड़ी ना थी, वो तो अनपढ़ थे, लेकिन वो बोलते तो थे, यानी उन्होंने अपनी कविताओं को, अपने शब्दों को बयां किया, लेकिन उनके जो आप कह सकते हैं उनके जो क्या बोलते हैं उन्हें, उनके जो विद्यार्थी हुए या फिर कह सकते हैं उनको फॉलो करने वाले लोग थे, उन्होंने उनको एक जगह पर संग्रह करके लिखा, और जहां भी संग्रह करके लिखा उसको हम बोलते हैं बीजक, ठीक है। ये नाम आप याद रखें, क्योंकि आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है, तो आप क्या बताएंगे, बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके तीन भाग है। कौन कौन से, यानी तीनों की तीनों कृतियाँ बीजक में लिखी गई है। पहली है साखी, सबद और रमैनी, इन तीनों को लिखा गया है। अब इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन आपसे ये भी बन जाता है कि साखी क्या होता है, या साखी में किस तरह की कृतियाँ लिखी गई है, सबद में कैसी कृतियाँ लिखी गई है। जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो उसी के साथ आपको ये सभी चीज़ें क्लियर की गई थी। चलिए सबसे पहले जानेंगे कि साखिर में किस तरह की कृतियों को उन्होंने संग्रह किया, ठीक है। तो कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण,
साखी में किया गया है, यानी जितनी उनकी शिक्षाएं थी, सिद्धांत थे, उनको कहाँ लिखा, साखी में। और इसमें दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने योग्य है वो यह है कि यहाँ पर देखेंगे आप, इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। किसका? दोहा छंद का। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि साखी में किसका प्रयोग किया गया है, चौपाई का, दोहा का, ठीक है, मात्रा का, कुछ भी इस तरीके से यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे साखी में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। आपके एक क्वेश्चन के अंदर से कई सारे क्वेश्चंस क्लियर होते हुए चलेंगे, इस बात पर आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ पर बात आती है जो अगली कृति है उसके बारे में जानेंगे, जिसको जानते हैं हम सबद के नाम से। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि सबद में किस तरह की कृतियाँ संग्रहित की गई है। इसमें कबीर के गे पद, यानी जो उन्होंने गाए, ठीक है, उन पदों को संग्रहित किया गया है। गे पद होने के कारण इसमें संगीतात्मकता है, यानी जब हम किसी गीत को गाते हैं तो वो कैसा होता है, संगीतात्मकता होती है उसके अंदर, ठीक है। इन पदों में कबीर की प्रेम साधना व्यक्त हुई है, यानी जितनी भी प्रेम साधना से संबंधित उनकी रचनाएं हैं उनको कहाँ रखा गया, सबद में रखा गया। पहली में क्या थे, सिद्धांत थे। अब बात करेंगे रमैनी में, और एक और क्या चीज़ हमने उसके बारे में जानी थी कि उसमें दोहा छंद थे, ठीक है। अब यहाँ पर जानेंगे रमैनी में, इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचार व्यक्त हुए हैं और इसमें चौपाई छंद द्वारा इनको रचित किया गया है, ठीक है, चौपाई छंद में। तो क्लियर हुआ आपको पहले की क्या विशेषता थी सब साखी की, किसमें दोहा छंद थे, रमैनी में कौन से छंद है, चौपाई छंद है, ठीक है, और इसमें रहस्यवादी और दार्शनिक जो विचार थे उनको संग्रह करके रखा गया है रमैनी में। और इन तीनों का संग्रह कहाँ मिलता है, तो वो मैंने आपको बताया, वो मिलता है दोस्तों बीजक में इनकी वाणी का संग्रह मिलता है। क्लियर, बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, इससे बाहर दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में, ये मेरी आपसे गारंटी है। आप लोग इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, और आशा तो मैं ये करूँगी कि आपने क्लासेस ली हुई है तो आपको ये अच्छे से याद होगे, क्योंकि आपने रिवीजन करने के लिए मैंने आपको बोला था, अगर जब भी खाली समय मिलता है पिछली क्लासेस को रिवाइज करते रहिए। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, तुलसीदास की प्रमुख कृतियाँ बताइए कौन कौन सी थी। तुलसीदास की प्रमुख कृतियाँ, इनकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पहचान बताई थी कि जितनी भी भगवान राम से संबंधित होगी वो सभी तुलसीदास के द्वारा रची गई रचनाएं होंगी, कृतियां होंगी। जैसे देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप जो नोटिस करेंगे वो है श्री रामचरितमानस, ठीक है, श्री रामचरितमानस ये किसके द्वारा रचित है, ये है तुलसीदास जी के द्वारा। अब इसमें मैंने आपको बताया कि राम से संबंधित, तो आप यहाँ समझेंगे देखकर कि राम शब्द आया है, ठीक है, तो राम से संबंधित है। आगे जानेंगे विनय पत्रिका, विनय पत्रिका ये भी भगवान राम से संबंधित है। कवितावली, गीतावली, गीता किससे संबंधित है, ये तो श्री कृष्ण से है, लेकिन जिनके बाद में वली शब्द का प्रयोग किया गया है, ये दोनों जैसे गीतावली, ठीक है, कवितावली, दोहावली, ये भी तुलसीदास जी की प्रमुख कृतियाँ हैं। उसके बाद जैसे जानकी मंगल, तो जानकी जी किससे संबंधित है, भगवान राम से, तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बैरवे रामायण, ये सभी किसकी रचनाएं हैं, प्रमुख कृतियां हैं तुलसीदास जी की। अब यहाँ से मैं आपको बता दूं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपका यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी के द्वारा रचित नहीं है, या इनमें से कौन सी है, कोई तीन ऑप्शन अलग दे देगा और चौथा इन सभी में से आपको कोई एक मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, बिहारी की कृतियाँ बताइए कौन कौन सी है। हेडिंग आप लोगों ने डाल ली बिहारी की कृतियाँ, आप लोग चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर जानेंगे दोस्तों कि कविवर बिहारी की मात्र एक ही कृति है, वो उसका नाम क्या है, बिहारी सतसई। बहुत अच्छे से याद रखेंगे, एक ही है और बहुत महत्वपूर्ण है, एक को याद रख लीजिए उतना ही काफ़ी होगा, ठीक है। बिहारी जी से संबंधित यहीं से प्रश्न आएगा यदि आया कि बिहारी से संबंधित कौन सी कृति है, बिहारी सतसई। यह बिहारी रचित 700 दोहों का संकलन है, यानी इसके अंदर कितने दोहे हैं, 700 दोहे हैं, ठीक है, 700 दोहों का संकलन किया गया है किसके अंदर, बिहारी सतसई के अंदर,
ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद इस कृति ने बिहारी को हिंदी काव्य साहित्य में अमर कर दिया है। ये चीज़ आप लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ थी जानने वाली कि बिहारी सतसई उनकी प्रमुख कृति है और एक ही है। आगे बात करें तो यहाँ आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न है, कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये प्रश्न आपका पहले भी एक बार रिपीट हो चुका है तो आने के चांसेस है। अच्छा प्रश्न है, कबीर दास जी का जन्म कब हुआ था, 1998 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था, जल्दी से बताइए आप सभी लोग, काशी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, काशी में, किस सन में, 1998 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। ये मुझे आपको बताना नहीं चाहिए क्योंकि पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पहले प्रश्न में कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से, बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। बीजक के तीन भाग है, कौन कौन से, अभी मैंने आपको बताया था, जल्दी से मेरे साथ रिपीट करेंगे आप सभी लोग, साखी, ठीक है, सबद और रमैनी, तीनों की पहचान आपको बता दी गई है। अगर किसी के भी बारे में पूछा जाए तो आप सभी लोग सही सही उसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे गाइज। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हिंदू का जन्म कब और कहाँ हुआ था। दोस्तों ये भारतीय हिंदू नहीं, भारतेंदु है, ठीक है, यहाँ सही लिखा गया है, यहाँ से आप लोग देखेंगे, भारतेंदु का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो चलिए बात कर लेते हैं, भारतेंदु जी का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। किसका जन्म, भारतेंदु जी का जन्म, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इनका जन्म स्थान और किस सन में इनका जन्म हुआ, ये आपको बहुत ज़रूरी है याद रखनी क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त जी की यदि बात करें तो इनका जन्म हुआ था चिरगांव में, और बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, चिरगांव नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। 1986 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, सन 1986 में इनका जन्म हुआ, और कहाँ हुआ, चिरगांव नामक गांव में, ठीक है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे कब और कहाँ हुआ था, तो सिमरिया नामक गांव में, ठीक है, सिमरिया नामक गांव में 1908 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। अगर आप लोग डायरेक्टली इसी क्लास में पहली बार आए हैं तो दोस्तों आपको मैं कहना चाहूँगी कि आप इससे पहली इस यूनिट की जितनी भी आपको मैंने 3-4 क्लासेस प्रोवाइड की गई है उन सभी को ज़रूर देखें। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं सभी क्लासेस को, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही डिफरेंट तरीके से पूरी मेहनत से मैंने आपको उसमें समझाया है। आप जिसने भी वो क्लास बहुत ध्यान से ली है, उसका रिवीजन किया है, उन लोगों को ये सभी चीज़ें ऑन द टिप्स याद है, ठीक है, ऑन द टिप्स उनके याद है ये सभी चीज़ें। तो आप लोग ज़रूर उसकी हेल्प लीजिए, क्लासेस देखिए वो, और जिनकी भी मैं कहूँगी कि जो सभी सब्जेक्ट्स में क्लियर है या फिर किसी की एक या दो सब्जेक्ट में बैक भी है, वो सभी अपनी थर्ड सेमेस्टर की तैयारी में बहुत अच्छे से लग जाइए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आगे भी आपको इसी तरह की चीज़ों का सामना करना पड़े, पहले से अपनी तैयारी रखिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, कोई दो राय उसमें नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए अगला प्रश्न आपका आया हुआ है 2017 BTC 2017 में आपका ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पूछा गया है, वीणा वादिनी वर दे यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है। क्या है, वीणा वादिनी वर दे यह पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है। तो यह पंक्तियाँ दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित है। किसके द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन क्या होगा, हरिओद जी का पूरा नाम क्या है। हरिओद जी का पूरा नाम पूछा गया है, BTC 2017 में ही ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है, ये भी आपका पहले आया हुआ प्रश्न है तो इस पर और ज़्यादा फोकस कीजिए। हरिओद जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद था। क्या नाम था इनका पूरा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, हरिओद जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय है, ठीक है, क्लियर।
अगला क्वेश्चन है गाइस, ये भी आपका प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और जितने प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, सभी को इंक्लूड कर दिया गया है ताकि कोई भी केस ऐसा ना रहे कि एक भी परसेंट आपका नंबर कहीं से कटे। ठीक है, तो पूरी तरीके से आपको सभी तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल पर, सभी सब्जेक्ट्स की। और आपका संस्कृत के लिए बहुत ही जल्दी, देखिए क्लास तो आपकी चल गई है संस्कृत की, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको किस तरह से वो क्लासेस लग रही है। यदि आप उसमें कोई चेंज चाहते हैं तो उसको अच्छे से लिखिए, ठीक है, किसी भी चीज़ का मजाक ना बनाइए। आप लोग भविष्य में होने वाले अध्यापक हैं, ठीक है, प्रशिक्षु अध्यापक अध्यापिका है आप लोग, इस चीज़ को आपको समझना होगा। यदि कोई भी कमी लगती है या ऐसा लगता है कि किसी चीज़ में सुधार होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे शब्दों में उस चीज़ों को बयां करें ताकि उस चीज़ में सुधार किया जा सके। ठीक है, तो आपके लिए सभी चीज़ों को सही से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें कोई भी आपके लिए ऐसी चीज़ें नहीं रखी जाएंगी कि जिससे आपको समझ ना आए। ठीक है, जैसा भी आपका रिप्लाई होगा उस चीज़ को सीरियसली लिया जाएगा। आप लोग अच्छे से कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या चेंज आप लोग चाहते हैं या फिर क्लास एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है? क्या पूछा गया है, शब्द पर ध्यान देंगे, महाप्राण कवि किसको कहा जाता है, इस नाम से किसे जाना जाता है? तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर पेपर में, ध्यान दीजिएगा। हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में जाना जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। बहुत बढ़िया, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलेंगे, चाहे कोई अभी देख रहा है क्लास या बाद में देख रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंकड़ पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? BTC 2018 में आपका पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर पेपर में, क्या है एक बार और देखेंगे। बहुत ही अच्छी पंक्तियां है, लिखी गई है किसके द्वारा, कबीर दास जी के द्वारा रचित है। ठीक है, यह रचना चलिए एक बार फिर से सभी लोग मेरे साथ दोहराएंगे ताकि आपको याद हो जाए। कंकड़ पत्थर जोरी के मस्जिद ली बनाए ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, तो यह पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है, आपसे ये प्रश्न किया गया था। कबीर दास जी के द्वारा रचित ये रचनाएं हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा गाइज। तो ये सभी प्रश्न थे जो इस चैप्टर से आपको प्रोवाइड किए गए थे। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर दे दूंगी, ठीक है, इस ये पूरी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा, उससे अच्छी तो कोई और बात ही नहीं है, क्योंकि आपको अलग कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्लास में पूरा मटेरियल दिया जाएगा। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में, ताकि आप लोग समझ पाए, उसको याद रख पाए लंबे समय तक। और जितनी भी मैं आपको कहना चाहूँगी कि हिंदी की क्लास आपकी ऐसी है, सिर्फ हिंदी की ही नहीं, मैथ्स की भी अगर बात करें, SST की बात करें, सभी सब्जेक्ट्स आपके जितने भी है, किसी भी सेमेस्टर की बात हो, तो वो सभी आपके UPTET, CTET, SuperTET तक हेल्प करते हैं। यही सब कुछ सिलेबस रहता है आपका, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ भी। तो इन सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको कबीर दास जी की रचना के बारे में बताया, तो यहाँ से प्रश्न आता है दोस्तों TET में भी, तो बहुत ध्यान से आप क्लास लेंगे तो आपकी हेल्प करेगा ये सभी चीज़ों में। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि प्रत्येक विषय की वीडियो और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, कोई भी अपडेट होती है शिक्षक भर्ती से संबंधित तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।